आज क्या आपकी भी एंड्रॉइड फोन की कॉल रिकॉर्डिंग हो गई है डिलीट, और वो बहुत सारे इंपोर्टेंट आपकी कॉल रिकॉर्डिंग थी, तो भाई उसको आप किस तरीके से वापस ला सकते हो वो फुल इन्फॉर्मेशन आपको इससे रिलेटेड आपको इसी वीडियो मिलने वाली है। किस तरीके से आपको उसको वापस लाना है, कितने भी पुरानी हो सारी की सारी आपकी वापस आ जाएगी। सो गाइज मैं हूं नितिन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो के लिए बिना किसी। सो गाइज है कि आपको साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग शो कर रहा है, यहां पर आपने देखना है क्या करना होगा अपने एंड्रॉइड फोन में। एक्चुअली ओपन करना है यहाँ पर प्ले स्टोर के लिए, ठीक है, प्ले स्टोर के यहाँ पे आपके लिए ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च बार पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना होगा ऑडियो रिकवरी। ऑडियो रिकवरी को सर्च करने के बाद सिंपल से यहाँ पर आपके लिए क्या है, ऑडियो रिकवरी एप्लीकेशन एक दिखेगा आपके लिए टॉप पे फर्स्ट नंबर पे। सिंपल से आपको क्या है, इस ऑडियो रिकवरी एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना होगा। मैंने इंस्टॉल पहले से कर रखा है, डायरेक्टली मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ फाइल टाइप का बन के आता है, ठीक है, इसका लोगो में अंदर की साइड में। यहाँ पे क्या तीन ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं भाई नीचे की साइड में, जैसे कि पहला ऑप्शन है भाई आपका विजिट वेबसाइट, यानी कि आप वेबसाइट पे विजिट करना चाहते हैं इसमें। या फिर सेकंड ऑप्शन मिलता है आपके लिए रिसाइकल बिन में जाना चाहते हैं, या फिर ओके पे क्लिक करना चाहते हैं, ठीक है। तीन ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और अब क्या है भाई आपका, जैसे कि मान लो कॉल ऑडियो है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, कोई सी भी ए टू जेड ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, ठीक है, आपके सॉन्ग हो या किसी से बातचीत करी है वो रिकॉर्डिंग हो, या फिर आपने अपने एंड्रॉइड फोन से भाई रिकॉर्डिंग करी है उसके थ्रू एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है, तो वो हो, या फिर आपने क्या कॉल रिकॉर्डिंग करी हो वो वाली हो, ठीक है। मैं तो भाई आप ज्यादातर भाई इसी पर्पज से आए होंगे कि कॉल रिकॉर्डिंग को वापस लाना है, तो सिंपल से क्या है यहाँ पर पहली चीज मैं बता दूं, अगर आपने उसको सेव कर रखा है भाई एसडी कार्ड में, एसडी कार्ड आपका पड़ा हुआ है, तो एसडी कार्ड में भी आप वापस ला सकते हो ऑडियो के लिए, कोई सी ऑडियो हो ए टू जेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप एसडी कार्ड में वापस लाना चाहते हैं, सिंपल आपके लिए क्या है भाई राइट क्लिक कर रहे हैं ऑल्सो रिकवर्ड एसडी कार्ड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड, यानी कि दो पड़े हो तो दोनों कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आप दोनों पे भाई क्लिक करके आराम से कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मैं रिकवरी करता हूँ इसकी एसडी कार्ड की, तो यहाँ पे क्या है भाई कंटिन्यू के साइन पे आपको क्लिक करना पड़ता है, ठीक है, कंटिन्यू के बाद स्टार्ट पे क्लिक करना पड़ता है। यहाँ पे जो भी भाई लोडिंग वगैरह चल रही है वो आपकी क्या है रिकवर्ड हो जाएगी आपके एसडी कार्ड में, ठीक है। तो एसडी कार्ड में भाई हमने भाई रिकवर कर रहे हैं इसके लिए 100% को होने देते हैं। यहाँ पे भाई थोड़ा टाइम लगता है एल्गोरिथम के लिए, इसकी एल्गोरिथम पूरी होने के लिए, जब तक फिनिश नहीं हो जाता तब तक ये बंद नहीं होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है भाई जितनी भी ऑडियो रिकॉर्डिंग हुई ए टू जेड जितनी भी, ठीक है, शुरुआत से लेके एंड तक की जितनी भी पुरानी हो, कितनी भी पुरानी हो, ठीक है, महीनों की हो, दो चार महीनों की हो, कितनी भी, सारी की सारी कॉल रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मिलने वाली है। जैसे कि हमारे यहाँ पे फिनिश का ऑप्शन आ चुका है, फिनिश टाइम पर हमने क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या है थोड़ा एड बना शो करता है, उसको हमें क्लोज कर देना होगा, ठीक है। सिंपल सा और व्यू रिकवर्ड ऑडियो, ठीक है, यानी कि आप रिकवर्ड ऑडियो को देखना चाहते हैं, जी बिल्कुल देखना चाहते हैं भाई, क्यों नहीं, व्यू रिकवर्ड ऑडियो पर क्लिक किया, यहाँ पर क्या है ये सारी मतलब फाइल्स वगैरह ओपन होकर आ चुकी हैं, उनको आप व्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये था, और रही बात भाई कॉल रिकॉर्डिंग की, कॉल रिकॉर्डिंग किस तरीके से आ सकते हो आप, सिंपल सा आपके लिए क्या है स्टोरेज फाइल ब्राउजर में जाना है, ठीक है। स्टोरेज फाइल ब्राउजर पे क्लिक करने के बाद सिंपल से यहाँ पे आपको दिखेगा कॉल ऑडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है, यानी कि ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग, सॉरी, ठीक है। तो ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग में क्या है, आपको जितनी भी भाई जितनी भी आपने बातचीत को रिकॉर्ड किया होगा सारा डेटा यहाँ पर मिलने वाला है, जितने भी जीबी का हो, एमबी में हो, भाई किसी का भी हो, ठीक है, वो सारा का सारा डेटा आप यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जिस भी बंदे की आपकी कॉल रिकॉर्डिंग हो इंपोर्टेंट हो उसको आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकाल, सिंपल से क्या है यहाँ पे किसी भी एक कॉल रिकॉर्डिंग को भाई यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर क्या है ओपन विद, कौन सी एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे भाई करना चाहते हैं इसमें किसमें, अपने वीडियो वगैरह में कर सकते हो, या फिर आप म्यूजिक प्लेयर में कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है म्यूजिक प्लेयर में सही रहेगा, क्योंकि ऑडियो है, ऑडियो आपको म्यूजिक में ही सुनाई देगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है भाई जो बातचीत हुई होगी हमारी वो यहाँ पर आपके लिए सुनाई दे जाएगी, जो भी आपकी बातचीत हुई होगी वो यहाँ पे आपकी सुनाई दे जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है भाई आपको अब इसको भाई रिकवर करना है, तो यहाँ पे आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। शेयर ना करके यहाँ पर क्या है भाई राइट क्लिक यहाँ पे आपको लगा देने होंगे। राइट क्लिक लगाने के बाद यहाँ पर क्या है जो भी इतनी भी आपकी ऑडियो कर लीजिए यहाँ पे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर भाई थ्री डॉट पे आपको क्लिक करना है राइट साइड में, ठीक है, कॉर्नर पे जो थ्री डॉट दिख रहे हैं उन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सिंपल सा फाइल ट्रांसफर पे आपको क्लिक करना है। फाइल ट्रांसफर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जितनी भी भाई जो ऑडियो को आप निकालना चाहते हैं वो यहाँ पे क्या है निकल चुकी है, 100% हो चुकी है, फिनिश हो चुका है। फिनिश करने के बाद जो भी आपकी वो ऑडियो वगैरह होगी यहाँ पर भाई आपको ओके कर देना होगा। ओके करने के बाद जो भी आपकी ऑडियो है वो आपके एंड्रॉइड फोन में सिस्टम में सेव हो चुकी है परफेक्टली।
सो आई होप आपके लिए समझ में आ गया हो किस तरीके आपको उसको ऑडियो को निकालना है। और यहाँ पे क्या है, फोटो वीडियो इट टू जेड कुछ भी हो, ठीक है, सारा का सारा डेटा आपको यहाँ पे मिल जाता है। किस तरीके से निकालना है वो आपको एक के माध्यम से आपको पता चल चुका होगा। और आपको नहीं भी आता निकालना ना, तो क्या है, आपको सिंपल कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है, मैं आपको बता दूंगा भाई नेक्स्ट वीडियो बना करके। अगर आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी क्वेरी वगैरह हो आपकी, वो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी। और मैं क्या है, अगर मुझे लगा कि मतलब वीडियो बना करके ही डालनी पड़ेगी तो वीडियो बना करके तरीके से आपको इसको करना है, ठीक है, वीडियो वगैरह या फिर कुछ भी चीज को निकालना हो वो सारी चीज आप निकाल सकते हैं यहाँ से। सो आई होप आपके लिए समझ में आ गया होगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए मिल चुकी होगी 110%। सो गाइस मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय।